Hello friends, welcome to my next video of O-Level, A-Level IT2 series. Friends, आज हम लोग types of computer के बारे में discuss करेंगे. इसके पहले के video में अगर आपको computer और उसके कुछ basic terminologies को देखना हो तो आप पिछले video को इस playlist से जाके देख सकते हैं. और आज हम बात करेंगे कि types of computer on the basis of signal processing या working किस टाइप के डेटा को वो प्रोसेस करते हैं उसके बेसिस पे कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सिग्नल प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग के बेसिस पे कंप्यूटर को तीन पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं. पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा कोई अलग टाइप नहीं होता है, तीसरा बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग एंड डिजिटल का, जिसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स एनालॉग को देखते हैं. अगर हम एनालॉग की बात करें तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसी जगह यूज होते हैं जहां पे डेटा में रेंडमनेस होती है. मीन्स वो डेटा वेरी करता रहता है कंटिन्यूअसली, कोई फिक्स डेटा नहीं होता है. जैसे अगर हम बात करें तो जो आजकल स्मार्ट सिटीज का एक कॉन्सेप्ट चला है हमारे कंट्री में, उसमें ट्रैफिक सिग्नलिंग की बहुत ज़्यादा, जो ट्रैफिक सिग्नल्स के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे ऑटोमेटिक चालान का सिस्टम लगाया गया है. तो वहाँ पे सेंसर्स बेस्ड सारे कैमराज हैं, तो वो कैमराज कंटिन्यूसली डेटा रैंडम ऑर्डर में जो है वो जनरेट करते हैं, तो वो एक टाइप का एनालॉग डेटा होगा. तो अगर हम एनालॉग डेटा के बारे में और थोड़ा सा डीप में बात करें तो ये कंटिन्यूअसली वेरी होता रहता है और ये कभी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है. कभी बहुत हाई अमाउंट पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा और कभी बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी पे जनरेट होना शुरू होगा. और बेसिकली इस डेटा का यूज हम साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं, या इस टाइप के कंप्यूटर्स का यूज हम साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं. जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए वोल्टेज या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसे कंप्यूटर जो इस टाइप के सिग्नल्स को मेजर करने या फिर प्रोसेस करने में कैपेबल होते हैं वो कंप्यूटर्स आपके एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं. अगर हम दूसरे कंप्यूटर की बात करें जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो बेसिकली ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड पे काम करते हैं, कॉन्स्टेंट डेटा पे काम करते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं. बेसिकली इनके फिक्स स्टेजेस होते हैं कि ये अगले स्टेज क्या होगी, अभी ऑफ है या ऑन है, इस तरह से कुछ काम करता है. बेसिकली ये बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है 1 और 0. बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर हम बेस की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है. फ्रेंड्स ये पॉइंट जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट होती हैं, कौन कौन सी, 1 और 0, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इस तरह के कंप्यूटर्स की बात करें तो IBM के PC आते हैं, Acer आता है, Apple Macintosh आता है, मॉडर्न इंटरफेस के जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में होते हैं. आफ्टर दैट अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का फीचर रखते हैं. इन द सेंस ऑफ अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर फास्ट होते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये स्लो होते हैं लेकिन एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो दोनों के फीचर्स को इनबिल्ट करते हैं. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गैसोलीन स्टेशन, जो गैस पाइपलाइंस होती हैं, उसमें जो फ्यूल का प्रेशर होता है वो एनालॉग होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन वो मशीन उसको समझती है और उसको डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. या फिर पेट्रोल पंप की आप बात कर लो, पेट्रोल पंप पे आप जहाँ पे डीजल पेट्रोल फिलअप कराने जाते हो वहाँ पे आप क्या करते हो, वो एनालॉगस डेटा आपका मेजर होता है और आपको डिजिटल फॉर्म में डेटा मिलता है. ऐसे ही आपका कई और भी मशीनें होती हैं. तो फ्रेंड्स ये तीन टाइप के कंप्यूटर्स थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसके बाद भी कोई और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर दें, हम आपके आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.